हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नेशनलिज्म इन इंडिया के। और आपको पता ही है, फर्स्ट टर्म में सिर्फ एमसीक्यू आएंगे और 100% मार्क्स स्कोर करने का सिंपल सा तरीका है कि उस चैप्टर के अंदर से जितने एमसीक्यू आ रहे हैं वो कर लो, ठीक है। इस एमसीक्यू को आप टेस्ट की तरह लेना। अगर आपने चैप्टर कवर कर रखा है तो आप ये देखते रहना, जैसे कि मैं कोई क्वेश्चन बोलूंगा तो मैं आपको दो तीन, मतलब थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा टाइम दूंगा, तो आप खुद उसका वीडियो पॉज करके आंसर करने का ट्राई करना। आपको पता चल जाएगा, एनालाइज करो अपने आप को कि आपने जितना पढ़ा है आपको अच्छे से समझ आता है या नहीं आता, कहां कसर रह गई, कौन सा टॉपिक थोड़ा सा वीक रह गया, किस पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो चलो जी, बिना टाइम वेस्ट करें हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज स्टार्टेड, जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वो कब स्टार्ट हुआ था, 1914 में, 15 में, 16 में या 18 में, बताओ जी। वीडियो पॉज करके जल्दी बताओ। चलो ठीक है, मैं बताता हूं। तो हमारा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो 1914 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है, ये अलग भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड कब हुआ था, तो 1918 में एंड हुआ था, याद रखना 1914 से लेकर 18 में चला था। क्या इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पार्ट था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। यस, इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पार्ट था। बहुत सारे बच्चों को लगता है नहीं था, इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पार्ट था, हम अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, ओके। ये चीज़ आप याद रखना, और इसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारा बहुत दिक्कतें आई थी, हमको फोर्स कर रहे थे कि जी आर्मी ज्वाइन करो, ये सारी की सारी चीज़ों करो। मैं ऐसे ही करता जाऊँगा, हर एक क्वेश्चन को तीन चार क्वेश्चन बनाते जाऊँगा। देखो, अगर आपने वीडियो फॉर्मेट में ये एमसीक्यू करे हुए हैं ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं एक ही एमसीक्यू से चार पाँच एमसीक्यू बना दूंगा, 200-300 एमसीक्यू बन जाएंगे इस वीडियो के साथ ही आपके, ओके। चलो जी शुरू करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि व्हेन गांधी जी केम इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया कब आए। आपको पता है वो लॉ वगैरह की पढ़ाई करने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे, ठीक है, तो वो वापस इंडिया कब आए थे, 1914 में, 15 में, 16 में या 18 में। द आंसर इज 1915 में, गांधी जी दोबारा से साउथ अफ्रीका से इंडिया 1915 में आए थे, जनवरी में आए थे। अब आपसे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछा सकता है कि गांधी जी कब बॉर्न हुए थे, मतलब कब पैदा हुए थे, तो 2 अक्टूबर, ये तो पता ही होगा आपको, 1869 में पैदा हुए थे गांधी जी, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उनकी डेथ वगैरह कब हुई थी, तो 1948 में उनकी डेथ हुई थी, ओके। आपसे ये पूछा जा सकता है कि वो पैदा कहाँ हुए थे, तो वो पोरबंदर में पैदा हुए थे, ठीक है, पोरबंदर गुजरात में पैदा हुए थे, गुजरात के अंदर है पोरबंदर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि गांधी जी स्टार्ट सत्याग्रह अगेंस्ट डैश इन साउथ अफ्रीका। आपको पता होना चाहिए गांधी जी ने साउथ अफ्रीका के अंदर भी सत्याग्रह किया था, किसके अपोजिशन में किया था, किसके अगेंस्ट किया था, ए अपार्टाइड गवर्नमेंट, बी नेल्सन मंडेला, सी माइक टाइसन या डी रॉबर्ट मुगाबे। इन चारों में से किसके अगेंस्ट किया था, द आंसर इज अपार्टाइड गवर्नमेंट। अब अपार्टाइड का मतलब क्या होता है, जो रंग भेद होता है ना, जो काले गोरों के बीच में भेदभाव करते हैं, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट है साउथ अफ्रीका की, पहले ज़्यादातर वहाँ पर भी गोरों की गवर्नमेंट थी, ठीक है, तो वहाँ पर वो जो गवर्नमेंट थी ना बहुत भेदभाव करती थी, बहुत ही ज़्यादा भेदभाव करती थी, तो उसके अगेंस्ट गांधी जी ने वहाँ पर क्या किया, सत्याग्रह वगैरह किया, ठीक है। और नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के बहुत बड़े एक तरह से हीरो थे, ठीक है, याद रखना ये बात, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, ए पैसिव रेजिस्टेंस, बी गवर्नमेंट, सी आर्मी रूल, डी माइक टाइसन। सत्याग्रह का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सत्याग्रह यानी सत्य के राह पे चल रहे हो ना, तो आपको खून खराबा करने की जरूरत नहीं है। गांधी जी का कहना था, अगर आप सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हो तो आपको खून खराबा करने की जरूरत नहीं है, आप प्यार से भी अपनी बात मनवा सकते हो। तो इसका मतलब है पैसिव रेजिस्टेंस, मतलब किसी को अपोज करो बस निष्क्रिय तरीके से। निष्क्रिय का मतलब होता है एक तरह से कोई हानि वगैरह, किसी को वॉयलेंस वगैरह मत करो, बस नॉन वॉयलेंस तरीका ही सत्याग्रह कहलाता है, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है ना, समझ आ गया ना, नॉन वॉयलेंस इज इक्वल टू सत्याग्रह, ओके। नॉन वॉयलेंस तरीके से एक तरह से प्रोटेस्ट वगैरह करना, ये क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊँगा क्यों। देखो क्वेश्चन पढ़ो, वाई डिड गांधी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह इन खेड़ा, ठीक है, 1917 खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में गुजरात के अंदर। गांधी जी ने 1917 में खेड़ा गुजरात के अंदर एक जो सत्याग्रह था वो क्यों किया था, ये तो पता ही होगा आपको कि गांधी जी ने सत्याग्रह किया था वहाँ पर 1917 में खेड़ा के अंदर, क्योंकि वो चाहते थे कि बहुत सारे ना फार्मर की फसल ख़राब हो गई थी, तो वो फार्मर चाहते थे कि जो लैंड रेवेन्यू है ना, टैक्स वगैरह, उसको कम कर दिया जाए, तो उसके अगेंस्ट ही गांधी जी ने क्या किया, सत्याग्रह किया। अब है ना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। देखो बात ये है कि जो ओल्ड बुक है आपकी, ठीक है, ओल्ड बुक यानी अगर आपके पास एक दो साल पुरानी बुक है ना, अगर आपने ओल्ड बुक परचेज करी है किसी से ली है, तो आप जब उसके अंदर देखोगे ना, तो आपको पता है क्या मिलेगा, आपको मिलेगा जी चंपारण जो है वो 1916 में मिलेगा, ठीक है, आप सर्च करना, आपको चंपारण 1916 में मिलेगा। पर अगर आप न्यू बुक CBSE के साइट पर जाके, NCERT की साइट पर जाके जब न्यू PDF डाउनलोड करोगे ना, तो उसमें 1917 लिखा है, आपको 1917 ही लिखना है,
ये बात मैंने जान पूछ के आराम से रोक के बताइए, आपको याद रखना ठीक है। 1916, 17, 18 नहीं है। अब दो सत्याग्रह जो हुए थे, एक 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह, और 1917 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था ठीक है, उसके बाद अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ था। अगर आपने चैप्टर नहीं कर रखा ना, पहले चैप्टर कवर करके आओ। और ये चीज़ क्योंकि मैंने भी लास्ट ईयर बनाई थी वीडियो, तो ये छोटी सी चीज़ है जो एडिट हुई थी है ना, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। ऑब्वियसली बात है, देखो फुल मार्क्स आने का फंडा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, चैप्टर के नोट्स प्लस एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू, ये तीनों देखोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता फुल मार्क्स से ठीक है। चलो जी शुरू करते हैं। तो ये आपको समझ आ गया ना कि खेड़ा गुजरात में क्या हुआ था, लैंड रेवेन्यू कम करवाने के लिए हुआ था, जो ब्रिटिश ने बहुत ज़्यादा बढ़ा रखा था। ये देखो मैंने जान पूछ के देखो स्टार डाल रखा है, चंपारण सत्याग्रह भी 1917 में हुआ था। क्यों हुआ था, बात ये थी कि वहाँ पर है ना, जो हमारे चंपारण के किसान थे, फार्मर थे, उनको क्या किया जाता था, फोर्स किया जाता था कि आप नील की खेती करो, इंडिगो की खेती करो, यानी प्लांटेशन सिस्टम को अपोज करने के लिए चंपारण में क्या हुआ, आंदोलन वगैरह, सत्याग्रह वगैरह हुआ, मूवमेंट वगैरह चलाया गया ठीक है जी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। अच्छा एक और है, एक और सत्याग्रह हुआ था, वो कब हुआ था, वो हुआ था 1918 में। कहाँ हुआ था जी, अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में। और वो क्यों हुआ था, वो हुआ था जी वहाँ पर जो, आई होप ये पता हो आपको ठीक है, अगर पता है तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, बट फिर भी मैं बता देता हूँ कि 1918 में जो अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ था ना, वो इसलिए हुआ था क्योंकि वहाँ पर जो भी हमारे मिल वर्कर थे ना, उनकी सैलरी बहुत कम थी, तो उनमें इंक्रीमेंट करवाने के लिए, थोड़ी बढ़ाने के लिए सैलरी गांधी जी ने वहाँ पर सत्याग्रह किया था, जो कॉटन मिल वर्कर थे ठीक है। यहाँ सिर्फ मिल वर्कर लिखा है, मैं थोड़ा सा और कर देता हूँ, कॉटन मिल वर्कर। अगर यहाँ पर अहमदाबाद के बारे में पूछा होता कि अहमदाबाद सत्याग्रह क्यों किया है, तो इसका आंसर डी होता, बट अभी चंपारण लिखा है तो इसलिए इसका आंसर बी है ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वाई वाज द साइमन कमीशन सेंड टू इंडिया। आपको पता है 1928 में साइमन कमीशन बनाया गया था और उसको इंडिया भेजा गया था। क्यों भेजा गया था, सात बंदों की टीम थी, याद रखना सात बंदों की टीम थी, और उसको क्यों इंडिया भेजा गया था, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को देखने के लिए और साथ में रिफॉर्म वगैरह करने के लिए भेजा गया था, या बी उनको इंडियन काउंसिल को चूज़ करने के लिए भेजा गया था, उनको डिस्प्यूट गवर्नमेंट और कांग्रेस के लीडर के बीच में जो डिस्प्यूट था उनको सॉल्व करने के लिए भेजा गया था, या एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने के लिए भेजा गया था। तो इसका आंसर है जी ए। एक्चुअल में वो है ना, भारत में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन मैटर है ना, उसको थोड़ा ठीक करने के लिए आए थे, और वो ये देखने के लिए आए थे क्या इंडिया में कुछ रिफॉर्म हो सकते हैं, पॉलिटिकल उसमें स्पेयर की बात हो रही है, पॉलिटिकल स्पेयर में कुछ रिफॉर्म हो सकते हैं, तो उनके बारे में बात करने आए थे साइमन कमीशन ठीक है। 1928 में भेजा गया था, और मैं आपको बता दूं जैसे ही ये एयरपोर्ट पे उतरे, गो साइमन गो के नारे ठीक है, गो बैक साइमन के नारे लगने लगे थे, ये बात याद रखना। क्वेश्चन नंबर एट की बात कर रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा आराम से समझा रहा हूँ, अलग अलग क्वेश्चन अच्छे से बता रहा हूँ आपको, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि 100 का टारगेट है ठीक है। चलो मैं चाहता तो 5-10 मिनट की वीडियो बना देता, क्योंकि जितनी छोटी वीडियो होती है ना, बच्चे उतना ही ज़्यादा देखते हैं उसको ठीक है, उतना ही लाइक करते हैं, उतना ही शेयर करते हैं, बट फिर ऐसे वो बच्चे जो टॉप मार सकते हैं बहुत प्यार से, वो रह जाते हैं, तो इसी के लिए लेंथी वीडियो है ये। क्वेश्चन नंबर एट की बात करते हैं, वाई वाज अलौरी सीताराम राजू वेल नोन। अलौरी सीताराम राजू थे वो कौन थे और वो क्यों इतना मशहूर थे, तो मैं आपको बता दूँ, गोदाम हिल्स, गोदाम हिल्स में एक गोरिल्ला मूवमेंट, गोरिल्ला नहीं बोला मैंने ठीक है, वो जो होता है ना चिंपांजी जैसा, उसकी बात नहीं कर रहा, गोरिल्ला मूवमेंट। गोरिल्ला मूवमेंट का मतलब होता है जब हाथों से ठीक है, जो मतलब नॉर्मल जो होते हैं ना, जिससे जैसे फसलें काटने वाले जो हथियार होते हैं, हथियार क्या होते हैं, औजार होते हैं, जब उनसे लड़ाई लड़ी जाती हो ठीक है, हाथों से लड़ाई लड़ी जाती हो, तो उसको कहते हैं जी गोरिल्ला वॉर। तो गोरिल्ला वॉर हुई थी, जिसको मिलिटेंट वो भी कहते हैं, मिलिटेंट मूवमेंट भी कहते हैं, जब लोग ही लड़ाई करने लग जाए ना, तो इसको जैसे मिलिट्री होती है वैसे एक मिलिटेंट होता है, मिलिटेंट होता है जब लोग हथियार उठा के लड़ने लग जाए तो ठीक है। तो बात यह है कि हमारे आंध्र प्रदेश के अंदर ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर एक गोदाम हिल्स थी, वहाँ पर अलौरी सीताराम राजू ने एक मूवमेंट को लेड किया था, ट्राइबल पीजेंट के एक लीडर माने जाते थे ठीक है, और बहुत मशहूर थे वहाँ पर, याद रखना ये। तो इसका आंसर है ए। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और मैं बता दूं बहुत सारे लोग मानते थे कि मिरिकल भी कर सकते हैं, आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या अलौरी सीताराम राजू मिरिकल कर सकते थे, मैजिक वगैरह और सुपर नेचुरल पावर थी। द आंसर इज नो, कोई भी नहीं कर सकता, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, तो इसका आंसर नो ही करना अगर आप आ जाए आपको तो ठीक है, या आएगा ऐसा क्वेश्चन नीचे भी है, इसलिए मैं पहले बता दिया मैंने आपको। ओके चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड जनरल डायर ओपन फायर ऑन द पीसफुल क्राउड इन जलियावाला बाग। आपको पता है ना, वो जो जनरल डायर था उसने ओपन फायर करवा दी थी जलियावाला बाग में, तो उसने क्यों करवाई थी, पनिश करने के लिए इंडियन को, मार्शल लॉ इंडियन ने तोड़ा था उसके लिए, या वो लोगों के मन में दहशत
एक टेरर और एक ओ इन द माइंड, मतलब एक तरह से दहशत क्रिएट करना चाहता था हमारे इंडियन के माइंड में, या वो क्राउड को थोड़ा इतर तितर बितर करना चाहता था? तो इसका आंसर है जी सी, ठीक है। एक्चुअल में वो सिर्फ और सिर्फ टेरर क्रिएट करना चाहता था हमारे मन के अंदर, हमारे माइंड के अंदर एक दहशत क्रिएट करना चाहता था, ठीक है। तो ये ही था जनरल डायर, इसीलिए ही वो बेशरम आदमी लगता है मेरे को। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय द ट्राइबल पीजेंट ऑफ गोदाम हिल्स इन आंध्र प्रदेश? तो जो ट्राइबल मूवमेंट हुआ था ना अभी थोड़ी पर, अलौरी सीताराम राजू के बारे में बात करी थी ना हमने, अलौरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश से थे, है ना, गोदाम हिल्स के अंदर उन्होंने पीजेंट मूवमेंट को लेड किया था, है ना। तो अब जो था वो मूवमेंट क्या था? सत्याग्रह था, सत्याग्रह मूवमेंट था, मिलिटेंट गुरिला मूवमेंट था, नॉन वायलेंट मूवमेंट था, या नन ऑफ दीज? तो आपको पता ही है इसका आंसर, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसका आंसर है बी, गुरिला मूवमेंट था वो, ठीक है। हाथों से और औजारों से लड़ाई वगैरह करी थी इन्होंने। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, ये बहुत ध्यान से सुनना, इसमें ना बच्चे गलती कर देंगे। देखो, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर लेड द खिलाफत मूवमेंट? ए शौकत अली मोहम्मद अली, बी गांधी जी सरदार पटेल, सी मोहम्मद अली जिन्ना और अबुल कलाम आज़ाद, या अबुल कलाम आज़ाद एंड जवाहरलाल नेहरू? अब ना कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर बात यह है कि दो नहीं थे, तीन बंदे थे, ठीक है, शौकत अली, मोहम्मद अली और गांधी जी। तो आंसर ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है। नहीं, देखो क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने, ये पूछा कि दो लीडर के नाम बताओ, ठीक है। तो दो लीडर तो ये हो गए, और अगर ये दो लीडर ना भी लिखा होता, यहाँ पर टू लीडर भी ना लिखा होता ना, तब भी एक बात याद रखना कि ऑप्शन देखो कि कौन सा सही है, अधूरा मत देखो, कौन सा सही है वो देखो। इसमें क्या लिखा है कि खिलाफत मूवमेंट किन्होंने लीड किया था, लीडर कौन थे खिलाफत मूवमेंट के? तो क्या मोहम्मद अली और शौकत अली थे? यस, ये दोनों अली ब्रदर्स कहलाते हैं, भाई थे दोनों के दोनों। तो क्या ये थे? तो ये यही है आंसर, ठीक है। तो अगर कभी ऐसा हो कि आपको लगे कि जी इसमें अधूरा लिखा है, तो MCQ में कभी अधूरा मत ढूंढो, ठीक है। अगर मान लो कोई दो लीडर लिखे हुए हैं, कोई जैसे कि औद किसान सभा है, ठीक है, उसमें पूछा जाए कि जी क्या जवाहर क्या किसने करी है, तो एक तरफ जवाहरलाल नेहरू लिखा हो, गांधी जी लिखा हो, तो जवाहरलाल नेहरू तो थे ना औद किसान सभा में, तो उसको मार करना है आपको, ठीक है। अगर दो नाम लिखे हो, बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू, ये भी क्वेश्चन आएगा, डरने की जरूरत नहीं है। आप सोच रहे हो कि सर क्या बता रहे हैं, इसका भी क्वेश्चन आएगा नीचे, ठीक है। तो दोनों मार्क करने हैं, बट अगर एक भी दे रखा हो तो सही है। आई होप मेरे बताने का तरीका, मैं ना आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताते जा रहा हूँ, ठीक है, कि आप अच्छे से टैकल कर पाओ MCQ को, ओके। चलो जी, और अगर फिर भी ऐसे में दिक्कत होती हो, तो आपको पता है ABCD चार में से एक तो हो गई, तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो। ये जी सरदार पटेल नहीं थे, अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, ये तो पाकिस्तान बनाने में लगे हुए थे, और उसके बाद हमारे जवाहरलाल नेहरू थे बट अबुल कलाम आज़ाद नहीं थे, तो इसका मतलब मोहम्मद अली शौकत अली ये दोनों थे। ऐसे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है आपको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो विड्रॉ क्यों कर लिया था? क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट चला गया था, जो मूवमेंट था वो थोड़ा वायलेंट हो गया था, जो कांग्रेस लीडर थे वांटेड टू पार्टिसिपेट, वो कांग्रेस लीडर जो थे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। इससे एक क्वेश्चन और बताऊंगा मैं आपको, कांग्रेस लीडर वांट मोर रेडिकल मास एजिटेशन, इसका मतलब है कांग्रेस लीडर बोल रहे थे शांति से कुछ मत करो, अब थोड़ा लड़ने वड़ने की बात आ गई, अब थोड़ा बुद्धि बुद्धि सेकेंगे हम ब्रिटिशरों की, तो ये वाला सीन हो गया था। तो इसमें से क्या है? इसका आंसर है जी बी। बात यह है कि जो गांधी जी है उन्होंने ये देखा कि बहुत जगह जो मूवमेंट है ना वो थोड़ा वायलेंट होता जा रहा है। स्पेसिफिक बताऊं, आई होप आपको स्पेसिफिक पता हो। चलो नीचे क्वेश्चन आएगा, आप मेरे को बताना किस जगह पर वायलेंट क्लैश हुआ था जिसकी वजह से गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था, ठीक है। चलो इससे मैं एक क्वेश्चन और बता रहा था आपको। देखो आपको पता है ना कि सारे के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम है ना गांधी जी ने सबको मनवा लिया था, ठीक है। जब आपको पता है कि हमारा एक कोलकाता सेशन हुआ था तो गांधी जी ने सबको मना लिया था कि आपको क्या करना है, खिलाफत मूवमेंट में साथ देना है और बॉयकॉटिंग वगैरह करनी है, ठीक है। कोलकाता सेशन भी नागपुर सेशन में बात हुई थी, आएगा ढूंढ वरी। तो गांधी जी ने कहा था कि आप ना इलेक्शन को बॉयकॉट कर दो, बट एक पार्टी थी जिसने इलेक्शन को बॉयकॉट नहीं करा, उसका नाम था जस्टिस पार्टी, याद रखना जस्टिस पार्टी। उसमें ज़्यादातर दलित से, क्योंकि उस टाइम जो कांग्रेस थी वो बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करती थी, बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़े लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन करती थी, तो इसलिए उनको लगा कि यार अभी अगर हमारे पास पावर नहीं आ पाई ना तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत बन जाएगी, तो इसलिए उन्होंने इलेक्शन को बॉयकॉट नहीं किया, पार्टिसिपेट करा, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं कि हु वर द सनातनी, सनातनीज कौन होते हैं? ए सेंट्स होते हैं, बी दलित्स होते हैं, सी लेबरर्स होते हैं, या हाई क्लास हिंदू? तो हाई क्लास हिंदू को सनातनीज कहा जाता है अकॉर्डिंग टू बुक, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, द मेन प्रॉब्लम विद द साइमन कमीशन वॉज दैट,
कुछ लोग साइमन, जब मैंने आपको बताया ना जब साइमन कमीशन 1928 में इंडिया के अंदर आई थी तो बहुत सारे लोगों ने साइमन कमीशन को अपोज किया था। रीज़न क्या था तो मैं आपको बता दूँ, साइमन कमीशन में 7 बंदे थे और 7ों के 7ों इंडियन थे, ठीक है, वो सॉरी 7ों के 7ों ब्रिटिशर थे। और यही लोगों को दुविधा थी, वो कह रहे थे कि यार सारे के सारे एक तो इंडियन लो, आप इंडिया के लिए रिफॉर्म करने आ रहे हो और कोई इंडियन ही नहीं है, है ना। तो इसकी वजह से यही मेन प्रॉब्लम थी साइमन कमीशन की, और जिसकी वजह से लोग साइमन कमीशन को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तो इसका आंसर है ए। ओके ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू स्वराज जो थी वो किसने लिखी थी। हिंदू स्वराज एक बुक थी, वो किसने लिखी थी, अब्दुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, सरदार पटेल या सुभाष चंद्र बोस। तो जो हमारी हिंदू स्वराज बुक थी वो किसने लिखी थी, वो लिखी थी जी महात्मा गांधी ने। कब लिखी थी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, आगे आएगा वैसे क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं कि वाई डिड द इंडिया अपोज रॉलेट एक्ट। जो इंडियंस थे या इंडिया था पूरा का पूरा, वो रॉलेट एक्ट को क्यों अपोज कर रहा था, क्या लिखा था रॉलेट एक्ट में ऐसा जिसकी वजह से लोग उसको अपोज कर रहे थे। उसमें सॉल्ट लॉ आ गया था, या टैक्स इंक्रीज कर दिए थे लैंड पर, या उसमें ब्रिटिशरों को बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई थी कि वो किसी भी बंदे को जेल में डाल सके, ठीक है, या बिना ट्रायल के, या कांग्रेस पे बैन लगा दिया गया था इस एक्ट के तहत। तो मैं आपको बता दूं, बात यह है कि बहुत सारे इंडियन रॉलेट एक्ट को इसलिए पसंद नहीं करते थे कि उसमें पता है क्या किया गया था, बहुत सारे इंडियन को जेल में डाल दिया गया था विदाउट ट्रायल, ठीक है। तो इसी वजह से जो नॉर्मल लोग थे वो पसंद नहीं करते थे किसको, हमारे रॉलेट एक्ट को। और कितने साल के लिए जेल में डाल सकते थे बिना ट्रायल के, तो वो भी आप मेरे को बताना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन दी प्लांटेशन वर्कर इन असम, दे जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था जब असम के अंदर जो प्लांटेशन वर्कर है, जब उनको उनके बारे में पता चला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लांटेशन छोड़ दिया और घर की तरफ निकल लिए, वो स्ट्राइक पे चले गए, उन्होंने प्लांटेशन डिस्ट्रॉय कर दिया, इनमें से कुछ नहीं। तो मैं आपको बता दूँ, जैसे उनको पता चला ना जी गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया, उन्होंने क्या किया, अपना बैग बांधा। पहले क्या होता था, चलो इसी से एक और क्वेश्चन बताऊंगा, पहले क्या होता था कि प्लांटेशन में ना बाहर निकलने की परमिशन नहीं दी जाती थी, क्यों, क्योंकि एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 में एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट आया था, उसके तहत ये बोला गया था कि ना, बात क्या है, उन्होंने ये बोला था कि कोई भी वर्कर बिना परमिशन के बाहर नहीं जा सकता इस प्लांटेशन से, इस खेत से, और अगर जाएगा तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, और ऐसी परमिशन दी नहीं जाती थी। ओके, तो जब लोगों को पता चला, वर्कर को पता चला कि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया, तो उन्होंने कहा कि बात ऐसी है, वो ऑफिसर के पास गए कि ये अपना खेत संभालो, हम तो निकल लिए, बस किया तो रोक लो। और फिर दिक्कत क्रिएट हो गई, क्योंकि फिर उनको रेलवे में पकड़ के मारा गया और दोबारा प्लांटेशन में लाया गया। तो किया उन्होंने यही था, वो घर की तरफ निकल लिए थे। तो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट आपको समझ आ गया ना। अच्छा, बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर आपको इतनी डिटेल में डेट कैसे याद रह जाती है, ठीक है, कि बिल्कुल ही डिटेल में चले जाते हो आप, इसको इतनी सारी डेट कैसे याद रह जाती है। तो अगर आपको भी इसमें दिक्कत हो तो मेरे को बताना, मैं इससे रिलेटेड वीडियो वगैरह बनाऊंगा कि कैसे आप डेट याद रख सकते हो, और मैं कैसे, क्योंकि आपके पास तो सिर्फ एक क्लास है, मैं तो 4-5 क्लास, 9th हो गया, 10th हो गया, 11th 12th, फिर भी एक एक चीज़, एक एक डेट याद रहती है, तो कैसे रहती है उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, और आप कैसे याद रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज वॉज अडॉप्टेड एट विच सेशन। तो किस सेशन के अंदर हमारा जो पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज का मतलब होता है पूरी आज़ादी, ठीक है, ये गांधी जी सॉरी जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। कौन से सेशन में बोला था, कराची सेशन, हरिपुर सेशन, हरिपुर कांग्रेस कॉन्फ्रेंस, बात एक ही है सेशन कॉन्फ्रेंस, लाहौर कॉन्फ्रेंस या लखनऊ कॉन्फ्रेंस। तो मैं बता दूँ, जो पूर्ण स्वराज की बात हुई थी ना, वो लाहौर कॉन्फ्रेंस में हुई थी, ठीक है। लाहौर आपको पता है, आप तो पाकिस्तान के अंदर हैं, तो लाहौर कांग्रेस की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें हुई थी, सेशन में हुई थी ये बात 1929 में, ठीक है, दिसंबर 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आपको पता है ना कि जो हमारे कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर थे, उनको थोड़ा सा बहलाने फुसलाने के लिए और थोड़ा सा अपनी साइड करने के लिए ना, जो उस टाइम के लॉर्ड वायसराय थे, उनका नाम आपको बताना है, जिन्होंने इंडिया को डोमिनेंट स्टेटस देने की बात करी थी, कहा था कि थोड़ी थोड़ी इंडिपेंडेंस ले लो, ऐसा वाला सीन था, है ना। तो ये किसने बोली थी बात कि आप थोड़ी थोड़ी इंडिपेंडेंस ले लो, मतलब डोमिनेंट स्टेटस, कभी डीप में बताऊंगा आपको डोमिनेंट स्टेटस का मतलब क्या होता है, मतलब कि थोड़ी सी इंडिपेंडेंस, पूरी नहीं थोड़ी सी इंडिपेंडेंस, हम यही रहेंगे, ऐसा बोलना था। तो वो ये बात किसने कही थी, डोमिनेंट स्टेटस देने की बात किसने कही थी, अक्टूबर 1929 में बोली थी, तो ये बात याद रखना, ये बात बोली थी जी लॉर्ड इरविन ने, ठीक है, किसको पटाने के लिए, जवाहरलाल नेहरू को पटाने के लिए, ठीक है। चलो अब पहले तो इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, मैंने आपको बताया था लाहौर कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, पूर्ण स्वराज की बात हुई थी, तो उस वाली मीटिंग को पता है, उस टाइम में ना कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो हुआ करते थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, और उन्होंने इस मीटिंग को लीड किया था,
ठीक है, और मैंने कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछा ना जिसका मैंने आंसर नहीं बताया। हाँ ये रहा, रॉलेट एक्ट है ना, 2 साल के लिए किया था, 2 साल के लिए बिना ट्रायल के जेल में डाल सकते थे। मैं साथ में आंसर बता रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि आप फिर कन्फ्यूज़ हो जाओ, है ना, आपको लगे कि सर आंसर नहीं बता रहे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि विच ऑफ़ द फॉलोइंग वाज महात्मा गांधीज नोवल मेथड फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो गांधी जी कौन सा तरीका अपनाते थे ब्रिटिशों से लड़ने के लिए? पत्थर फेंकते थे उन पर, गवर्नमेंट बिल्डिंग हो जो को जलाते थे। बर्न आएगा यहाँ, ठीक है, बम नहीं आएगा, बर्न आएगा, ठीक है। टू मतलब बर्न डाउन मतलब जला देते थे उनको, बिल्डिंगों को। या वो क्या करते थे कि वो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करते थे, सत्याग्रह करते थे या नॉन वायलेंस करते थे? तो इसका आंसर है डी, सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन का तरीका अपनाते थे वो अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सत्याग्रह का मतलब क्या है? ये आपको पता ही है कि सत्याग्रह का मतलब है जी पैसिव रेजिस्टेंस, अभी ऊपर आपने देखा था, और ये वेपन है वीक का। जो लोग वीक होते हैं ना उनका तरीका है लड़ने का, वो ऐसे लड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है जी सी, ओके। चलो जी, अब क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इम्पोजिंग द रॉलेट एक्ट? रॉलेट एक्ट जो था वो क्यों लगाया गया था? रॉलेट एक्ट जो है वो क्यों लगाया गया था, वही बात है। ये सिर्फ इसलिए लगाया गया था ताकि जो गवर्नमेंट है उसके पास एनॉर्मस पावर आ जाए, वो किसी भी ऐसे बंदे को जो कि अब इंडिपेंडेंस मांग रहा है उसको जेल में डाल सके, मतलब बिना किसी सबूत वगैरह के 2 साल तक उसको जेल में डाल के रख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जलियांवाला बाग मैसेकर जो है वो कब हुआ था, कहाँ हुआ था, सॉरी कब हुआ था, चलो ये भी बता देना। ये हुआ था जी अमृतसर में 1919 में, 13 अप्रैल का दिन था, बैसाखी का मेला लगा हुआ था जलियांवाला बाग में, ठीक है, अमृतसर के अंदर। तो बहुत सारे लोग गाँव से शहर में आए थे तो गोलियाँ चलवा दी थी जनरल डायर ने, इसका नाम लेते हुए मेरे को चलो बुरा लगता है बड़ा। क्वेश्चन नंबर 24, वाई डिड जनरल डायर ऑर्डर टू ओपन? पता ही है कि उसने ओपन फायर क्यों करवा दी थी, क्योंकि वो बस एक तरह से सत्याग्रह की अच्छा ये देखो, ये है ना स्पेसिफिक लाइन है जो उसने बोली थी, प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट टू क्रिएट अ फियर इन द माइंड ऑफ सत्याग्रह। तो उन्होंने बोला था कि मैं बस सत्याग्रह के माइंड में है ना, जो सत्याग्रह कर रहे हैं उनके माइंड में दहशत क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसको आपको पता ही है मार्शल लॉ लगा दिया गया था और उसको लीडर बना दिया गया था जनरल डायर को। चलो, हिंद स्वराज, मैंने आपको अभी अभी बात हो रही थी कि हिंद स्वराज जो थी वो किसने लिखी थी, वो गांधी जी ने लिखी थी। कब लिखी थी, पब्लिश कब हुई थी, 1909 में पब्लिश हुई थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि खिलाफत कमेटी, ऊपर अपने क्वेश्चन पढ़ा था कि खिलाफत कमेटी के लीडर कौन थे, मतलब खिलाफत जो मूवमेंट हुआ था उसके लीडर कौन थे, मोहम्मद अली, शौकत अली और गांधी जी। एक खिलाफत कमेटी बनाई गई थी, खिलाफत, चलो मैं पहले ये क्वेश्चन कंप्लीट करा देता हूँ फिर खिलाफत बताऊँगा क्या होता है आपको, ठीक है। आपने सुना भी होगा कि भाई खलीफा है क्या तू, ऐसे खलीफा वगैरह ऐसे बोलते हैं ना, है ना, स्कूल वगैरह में। चलो, स्कूल तो आपके बंद है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 26 समझ गए ना, तो खिलाफत जो कमेटी थी वो 1919 में बनाई गई थी, कौन सी सिटी में इंडिया की, बॉम्बे के अंदर। बॉम्बे के अंदर खिलाफत कमेटी बनाई गई थी। देखो, खलीफा होता क्या है, खिलाफत होती क्या है, जो सबसे बड़े रिलीजियस लीडर होते हैं ना इस्लाम में, है ना, उस टाइम है ना ऑटोमन एम्पायर होता था, बहुत बड़ा एम्पायर था, टर्की वगैरह, टर्की ही माना जाता है कि सबसे छोटा पार्ट है वो ऑटोमन एम्पायर का। तो उनका जो लीडर था ना, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ रहे थे, तो उनके जो लीडर थे बोला जा रहा था कि उन पे है ना हार्शिटी लगाई जाएगी, उनकी पावर को कम कर दिया जाएगा। तो उनकी पावर कम ना हो उसके लिए पूरे वर्ल्ड के जितने भी मुस्लिम थे उन्होंने आवाज़ उठाई, ठीक है, और इंडिया के अंदर भी मोहम्मद अली, शौकत अली, क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान भी इंडिया के अंदर था, बांग्लादेश भी था, तो बहुत बड़ी मेजोरिटी में थे, तो हमने भी कमेटी बनाई, साथ दिया उनका, तो ये सारा का सारा, ओके। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, तो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगिन इन, यानी जो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट था वो कब शुरू हुआ, तो वो शुरू हुआ जी जनवरी 1921 में, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द रीज़न ऑफ कॉलिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? अभी थोड़ी देर पहले ऊपर बात कर रहे थे हम कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है गांधी जी ने वापस क्यों लिया था, लड़ाई झगड़ा हो गया था बहुत ज़्यादा प्लेस पे, बट मैंने आपसे स्पेसिफिक इंसिडेंट पूछा था तो वो था चौरी चौरा, ठीक है, 1922 फेब में हुआ था, हाँ जी फैब में हुआ था, फैब 1922 में हुआ था, जिसकी वजह से गांधी जी ने वापस ले लिया था क्या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं कि बाबा रामचंद्रा कौन थे? वो एक सन्यासी थे, और वो मतलब किस टाइप के लीडर थे, किस मूवमेंट को लीड किया था उन्होंने, तो मैं आपको बता दूँ, तो आपको ऑप्शन दे रखे, खिलाफत मूवमेंट को लीड किया था, चलो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि आपको पता है इसका आंसर तो शौकत अली, मोहम्मद अली और गांधी जी है, तो ये नहीं हो सकता। अगर कभी क्वेश्चन अभी आपको नहीं आता ना, ठीक है, तो आप पता है क्या, मैंने देखा बहुत सारे बच्चे छोड़ के आ जाते हैं,
ठीक है, ये मैंने खुद जब एमसीक्यू को टेस्ट लिया था तो बच्चे छोड़ रहे थे, अरे छोड़ क्यों रहे हो, चार ऑप्शन है ए बी सी डी, आंख बंद करके कुछ भी लिख दो, कम से कम 25% तो चांस है कि जी सही होगा, अगर आप कुछ नहीं लिखते तो मैं जीरो ही दूंगा, बट कम से कम एक दो मार्क्स तो मिल सकते हैं, ठीक है 25% प्रोबेबिलिटी तो है कि जी सही हो सकता है, तो ए बी सी डी कुछ तो लिख कर आया करो, और अगर थोड़ा सोच के करोगे ना तो हो ही नहीं सकता एमसीक्यू गलत हो, ठीक है। और एमसीक्यू की सीरीज़ की बात हो रही है तो हम एमसीक्यू की टेस्ट की सीरीज़ दोबारा से शुरू करेंगे, मतलब करी थी बट बीच में एक रिटर्न टेस्ट ले लिया था, बट अब दोबारा एमसीक्यू पे आएंगे। ओके, तो खिलाफत मूवमेंट नहीं हो सकता इसका, गुरीला मूवमेंट किसने चलाया था, लॉरी सीताराम राजू ने, ठीक है। वर्कर जो थे असम में, नहीं उसको तो कोई लीड ही नहीं किया था, वो वर्कर खुद ही चल रहे थे। तो मैं आपको बता दूं, पीजेंट अवध के अंदर ये जो हमारे पीजेंट थे उनके लीडर माने जाते थे बाबा रामचंद्र। ये पता है कौन थे, इंडेंजर्ड लेबर थे। इंडेंजर्ड लेबर का क्या मतलब होता है, चलो मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। आप है ना कभी वेस्ट इंडीज़ जो है ना, वेस्ट इंडीज़ की टीम, कभी उनके प्लेयर देखना, आपको है ना इंडियन नाम मिलेंगे, ठीक है इंडियन नाम मिलेंगे, फिर आप सोचते हो यार ये इंडियन नाम कैसे आ गए इनके, ये कब चले गए थे। बात यह है कि जब ब्रिटिशरों का टाइम था ना तो वो इंडिया के लोगों को, ये कैरिबियन आइलैंड वगैरह, वेस्ट इंडीज़ का जो कैरिबियन आइलैंड, आपको पता है ना वेस्ट इंडीज़ कोई कंट्री नहीं है, बहुत सारे आइलैंड मिलके बने हैं वेस्ट इंडीज़, है ना, आई होप ये बात आपको पता हो, ठीक है। तो वहाँ पर क्या था, वो सारे के सारे उनको ले जाया करते थे और वहाँ से काम करवाते थे, ठीक है। किसी को फीजी ले जाया करता था, ले जाया जाता था, तो बाबा रामचंद्र फीजी गए थे, वो इंडेंजर लेबर थे, काम करने के लिए गए थे और उसके बाद वो वापस आ गए। बट बहुत सारे लोग हैं जो इंडेंजर जहाँ पर भी जाते थे वहीं के होके रह गए, जैसे कि हमारे जो वेस्ट इंडीज़ के जो मैंने प्लेयर बताया उनके पूर्वज जो थे वो वहीं पर जाके रह गए, ठीक है, आज भी वहीं पर रहते हैं और वो वेस्ट इंडीज़ के मतलब नागरिक बन गए, सिटीजन बन गए। ओके, तो इसका आंसर है पीजेंट मूवमेंट इन अवध। तो अवध के अंदर इन्होंने पीजेंट मूवमेंट किया था फीजे से आने के बाद। ओके, तो अब ये औध किसान सभा है, बात यह है कि अवध के अंदर किसानों के लिए एक औध किसान सभा बनाई थी, ठीक है। तो उसके लीडर कौन थे, किसनों ने सेटअप किया था ये, ए अलौरी सीताराम राजू, नहीं इनका तो कोई लेना देना ही नहीं अवध से, है ना, इनका लेना तो आंध्र प्रदेश से है। बी जवाहरलाल नेहरू, लाल आएगा यहाँ, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद सी है जवाहरलाल नेहरू और शौकत अली, या डी है महात्मा गांधी। तो मैं आपको बता दूँ इसका आंसर है जी ये बी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्रा, ये दोनों की दोनों ने औध किसान सभा बनाई थी। अच्छा एक क्वेश्चन और है आपसे जो आपसे पूछा आ सकता है, लाल बाल पाल, ये तीनों का नाम साथ में लिया जाता था और ये हमारे फ्रीडम फाइटर का नाम था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको पता होना चाहिए नहीं तो सर्च करके बताओ, बट ये आपको याद होना चाहिए लाल बाल पाल, ठीक है ये बताना है आपको। चलो अब थोड़ा सा नीचे आते हैं कि अंडर द प्रेजिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, आपको पता है लाहौर सेशन मैंने आपको बताया था 1929 में हुआ था, ठीक है, और जिसमें को लीड किया था हमारे जवाहरलाल नेहरू ने, उस टाइम उन्हीं की प्रेजिडेंसी थी कांग्रेस की, मतलब प्रेजिडेंसी का मतलब होता है आपको पता है पार्टी का भी प्रेजिडेंट होता है, तो उस टाइम जवाहरलाल नेहरू जो थे, फिर से जवाहरलाल आ गया, तो जो जवाहरलाल नेहरू थे वो किस पार्टी के प्रेजिडेंट थे, कांग्रेस के प्रेजिडेंट थे, ठीक है। तो उसमें वहाँ पर क्या बात हो रही थी, किस चीज़ के बारे में बात हो रही थी, तो वहाँ पर गांधी उन्होंने बोला था जवाहरलाल नेहरू के ने कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, बोले तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कल्टी करेंगे हम पूरे अंग्रेज़ों को, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं कि जो साइमन कमीशन है उसको क्यों बॉयकॉट किया जा रहा था, पता ही है आपको क्यों, क्योंकि वो सारे के सारे जितने भी लीडर थे ना उस कमीशन के अंदर, उसमें कोई भी इंडियन नहीं था, ठीक है। अब है ना बच्चे क्या करेंगे जल्दबाजी में, अगर वो खुद आप खुद देख रहे हो और जल्दबाजी कर रहे होगे तो आप यहाँ पर कर दोगे ए पे, ठीक है, इसमें लिखा है नो ब्रिटिश मेंबर, ठीक है, ऐसा नहीं है उसमें सारे ब्रिटिशर थे, उसमें कोई इंडियन नहीं था, तो ये आराम से इत्मीनान से पढ़ना क्वेश्चन वगैरह, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, ठीक है। चलो क्योंकि टाइम बहुत अच्छा खासा मिलेगा आपको, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एमसीक्यू अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया, और अगर आपको एमसीक्यू नहीं आता, अगर मान लो उसका डायरेक्ट आंसर नहीं आता, तो रीड करना आराम से, ठीक है। चलो क्योंकि आपको पता है ए बी सी डी मार्क करना होता है, वो एमआर शीट होगी आपके पास। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं, अ फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन यूज्ड इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन विच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस ऑफ अ शॉप। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या किया था कि ना बंदे खड़े हो जाते थे एक शॉप के बाहर, उसको आने जाने का रास्ता रोक देते थे, फैक्ट्री के आने जाने का रास्ता या ऑफिस के आने जाने का रास्ता रोक देते थे, तो उसको क्या कहा जाता था, बॉयकॉट, बेगार, पिकेटिंग या बंद, क्या कहा जाता था, तो इसको कहा जाता था पिकेटिंग। पिकेटिंग का मतलब होता है जब आप आने जाने का रास्ता रोक दो, शॉप के बाहर खड़े हो जाओ। ओके, अब आप मेरे को बताना जी बेगार का क्या मतलब होता है, आएगा ये। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं,
कि हु फॉर्म्ड स्वराज पार्टी जो थी कांग्रेस के अंदर, वो किसने बनाई थी? कांग्रेस में के अंदर ही एक अलग से पार्टी बनाई थी स्वराज पार्टी, तो किसने बनाई थी? मोतीलाल नेहरू, फिर से मोतीलाल, चलो इसको चेंज कर देंगे, वैसे आप समझ गए ना, पता ही है नाम में तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। तो ए है जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू, बी है अब्दुल गफ्फार खान या महात्मा गांधी, ठीक है एंड महात्मा गांधी, सी है जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, या डी है सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। मैं आपको बता दूं कि ये जो पार्टी थी स्वराज पार्टी, ये बनाई थी मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने, ठीक है, इन्होंने इलेक्शन वगैरह लड़ने के लिए, क्योंकि इनको लगता था कि यार अंग्रेज़ों का अगर सिस्टम चेंज करना है ना तो हमें उनके पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा, सिस्टम में घुसना पड़ेगा, ठीक है। जबकि बाकी जो थे, ठीक है, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बोला था, जवाहरलाल नेहरू हो गए, हमारे सुभाष चंद्र बोस हो गए, वो इसमें बिलीव नहीं रखते थे, उनका मानना था कि ये प्यार से सुनने वाली चीज़ ही नहीं है, ये प्यार से मानेंगे, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ऐसा मानना था उनका, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं, हु फाउंडेड द डिप्रेस क्लास एसोसिएशन इन 1930। तो डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बनाई गई थी, ठीक है, तो वो किसने बनाई थी? ए अलौरी सीताराम राजू ने, बी सी आर दास ने, सी एम आर जयकर ने, या डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। तो मैं आपको बता दूं, ये डिप्रेस क्लास एसोसिएशन जो थी वो 1930 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाई थी, क्योंकि आपको पता है उस टाइम मैंने जैसे आपको बताया कि थोड़ा सा कांग्रेस के अंदर डिस्क्रिमिनेशन का जो फंडा था वो बहुत ही ज़्यादा था, तो इसके लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ भी बहुत हुआ था, आपको पता ही है, आप शायद आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में, तो इसलिए उन्होंने डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बनाया था। आज तो बहुत अच्छी हालत है, आज तो आप देखोगे तो उस लेवल का क्या बहुत ही होता ही नहीं, मैंने तो कभी देखा नहीं किसी के साथ, ठीक है, अगर देखा होता तो मैं ज़रूर बताता, बट मैंने अपने लेवल पे नहीं देखा, बट मैंने सुना है कि कुछ एरियाज़ में आज भी होता है, ठीक है, बट उस टाइम थोड़ा ज़्यादा था, तो इसीलिए जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे उन्होंने डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बनाया था। ओके चलो इससे रिलेटेड एक और चीज़ बताता हूँ, एक है ना पूना पैक्ट भी साइन हुआ था, चलो पूना पैक्ट का क्वेश्चन नीचे आएगा तो अभी हम उसमें नहीं जाते। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है कि विच पार्टी डिड नॉट बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शन हेल्ड इन द ईयर 1921। पता ही थी आपको, 1921 में एक पार्टी थी जिसने इलेक्शन को बॉयकॉट नहीं किया था, क्या नाम था उसका? स्वराज पार्टी, जस्टिस पार्टी, मुस्लिम लीग या कांग्रेस पार्टी? तो जस्टिस पार्टी, उसने मना कर दिया था कि हम बॉयकॉट नहीं करेंगे। चलो अभी अभी थोड़ी देर ऊपर पूछा था कि बेगार का क्या मतलब है, बात ये बेगार का मतलब पता है क्या होता था? अवध के अंदर गांव में क्या होता था कि जो लेबरर होते थे ना, जो विलेज में जो छोटे पीजेंट होते थे, गरीब लोग होते थे, उनसे काम करवाया जाता था और विदाउट एनी पेमेंट, बिना पैसों के, इसी को ही बेगार कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर है सी, आई होप आपको ये पता चल गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 के, गांधी जी ने जो सॉल्ट मार्च निकाला था 12 मार्च 1930 में शुरू किया था, कहाँ से शुरू किया था गांधी जी ने, स्टार्ट कहाँ से किया था? तो गांधी जी ने शुरू किया था जी साबरमती से लेकर दांडी तक। दांडी क्या है? कोस्टल एरिया है गुजरात के अंदर, साबरमती भी गुजरात के अंदर है। 240 मील का रास्ता था, एक दिन में टोटल मिला के 10 मील चला जाता था, यानी 24 दिन के अंदर उन्होंने पूरी ये अपनी जो भी यात्रा थी वो ख़त्म कर ली थी। दांडी वो पहुंच गए थे 6 अप्रैल को पहुंच गए थे वो, ठीक है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जब गांधी जी जब वहाँ पर पहुँचे तो वो क्या बीच बीच में रुक रुक के चलते थे? बिल्कुल, वो अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ निकले थे, बट वहाँ पर फिर जब वहाँ पर पहुँचे तो बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, और वो जहाँ भी रुकते थे ना वो उपदेश देते हुए जाते थे कि वॉयलेंस का मतलब क्या होता है, नॉन वॉयलेंस का मतलब क्या होता है, खून खराबा नहीं करना, ये बात बोलते जाते थे, क्योंकि पहले भी इसी चक्कर में खून खराबा हो गया था और गांधी जी ने मूवमेंट कॉल्ड ऑफ कर लिया था, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 के, विच इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक्ड कॉलोनियल कंट्रोल ओवर इंडियन इकोनॉमी एंड सपोर्टेड सिविल डिसबीडियंस मूवमेंट। तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने सपोर्ट किया था सिविल डिसबीडियंस मूवमेंट को जो गांधी जी ने चलाया था, तो उनका क्या नाम था? दीन शॉ, ठीक है, पुरुषोत्तम दास ठाकुर, द्वारकानाथ टैगोर, ठीक है, मेरे को लगा ये आर लिखा हुआ है, द्वारकानाथ टैगोर और सेठ हुकुमचंद। तो कौन थे जी जिन्होंने सिविल डिसबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट किया था? तो उनका नाम था जी पुरुषोत्तम दास ठाकुर। ओके क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं कि हु विजुअलाइज द डिपिक्ट द इमेज ऑफ भारत माता। भारत माता की पिक्चर को किसने एक तरह से पहले डिपिक्ट किया था, बनाया था? तो इसका नाम, इसका आंसर है जी अबिंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, अबिंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, याद रखना।
और आपसे फिर मैं आपको बता, फिर जो आपने पिक्चर देखी ना बुक खोल के देखो, वैसे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा पिक्चर की और साथ में अजर्शन और रीज़न की भी अलग से वीडियो बनेगी, क्योंकि अजर्शन और रीज़न को समझाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन कर दोगे आप उसका इसलिए। और हमारा जो वंदे मातरम है वो किसने लिखा था, वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। आपको पता है इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है आज, आपको पता है ना जो हमारा झंडा है वो किसने डिज़ाइन किया था, वो पिल्ले वेंकैया ने, ठीक है, पिल्ले वेंकैया उनका नाम था, एक लेडी हैं वो, ठीक है, उन्होंने डिज़ाइन किया था। ओके, इस टाइम उनको अवार्ड वगैरह भी मिला है, ठीक है, चलो, बहुत ज़्यादा एज है अब तो उनकी। ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। गांधी जी, आपको पता ही है, साबरमती से लेकर दांडी तक गए थे, ठीक है, उस मार्च को गांधी जी ने क्या नाम दिया था, वो था जी सॉल्ट मार्च। सॉल्ट मार्च की जगह सिविल डिसबिडियंस मूवमेंट भी आ सकता है, बात सेम ही है, सॉल्ट मार्च और सिविल डिसबिडियंस मूवमेंट दोनों एक ही चीज़ थी, ठीक है, बट यहाँ अगर स्पेसिफिक आता है सॉल्ट मार्च, तो अगर सॉल्ट मार्च और सिविल डिसबिडियंस मूवमेंट दोनों ही लिखे होते हैं तो सॉल्ट मार्च पे करना, वो मार्च तो सॉल्ट मार्च ही था, देखो मार्च लिखा है तो मार्च ही लिखोगे ना, सॉल्ट मार्च ही था। चलो, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं कि डिप्रेस क्लास एसोसिएशन जो थी वो किसने बनाई थी, बात हुई थी अभी, अम्बेडकर जी ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग किसने स्टार्ट करी थी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ बच्चे पक्का गलती कर देते हैं, ठीक है। देखो अब है ना, मैं बोल रहा हूँ कि मुस्लिम लीग किसने स्टार्ट करी थी, तो अब मैक्सिमम बच्चों का आंसर क्या होगा, उनको लग रहा होगा कि जी मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, क्यों, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान बनाया था, ये मुस्लिम लीग से ही थे, बिल्कुल सही बात है, ये मुस्लिम लीग से ही थे और हाँ इन्हीं की वजह से पाकिस्तान बना है, पर ये मतलब इन्होंने वो पार्टी क्रिएट नहीं करी थी 1905 और 1906 बेसिकली उस टाइम में ना पार्टी जो स्टार्ट करी थी वो ढाका में स्टार्ट हुई थी। आपको शायद ना पता हो, मुस्लिम लीग जो है वो ढाका, जो आज का बांग्लादेश है, वहाँ क्रिएट हुई थी। पहले बांग्लादेश भी पाकिस्तान का ही पार्ट हुआ करता था, ठीक है, आई होप ये बात आपको पता हो, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, आगे आप पढ़ोगे तो पता चली जाएगा, जनरल नॉलेज पता होना चाहिए वैसे तो। तो नवाब सलीमुल्ला, ठीक है, नवाब सलीमुल्ला ने ये पार्टी जो थी वो ख्वाजा नवाब सलीमुल्ला नाम था उनका, उन्होंने ये पार्टी शुरू करी थी मुस्लिम लीग, ठीक है, और बेसिकली उस टाइम भी उनका आइडियोलॉजी यही था कि जी कंट्री बटनी चाहिए, सब साथ में नहीं रह सकते, हमारी आइडियोलॉजी अलग है, ऐसा कुछ, ठीक है। और उसके बाद ये स्टैचुरी कमीशन बनाई गई थी 1928 में, जो इंडिया के अंदर आई थी, तो उसका लीडर कौन था, ये वही है क्या, साइमन कमीशन, ठीक है, तो ये 1928 में बनाई गई थी, आई थी मतलब इंडिया के अंदर, और इनके जो लीडर थे वो कौन थे, सर जॉन साइमन, और इन्हीं के नाम पे इसका नाम साइमन कमीशन भी पड़ा था, 7 मेंबर थे और कोई भी इंडियन नहीं था। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं कि जो स्वराज पार्टी थी वो किन्होंने सेटअप करी थी, पता ही आपको, जो स्वराज पार्टी थी वो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, इन दोनों ने मिलकर क्रिएट करी थी, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ ये सिस्टम में घुसना चाहते थे और सिस्टम को चेंज करना चाहते थे, बट बाकी जो जवाहरलाल, जो यंग लीडर थे ना सुभाष चंद्र बोस जवाहर, वो इस चीज़ में नहीं करते थे, वो कहते थे जी ये बातों से नहीं मानेंगे अंग्रेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं, ये जो ट्राई कलर था वो पहले, सबसे पहले डिज़ाइन कब हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जो हमारा ट्राई कलर है ना, तीन तिरंगा है ना, तो वो जो हमारा तिरंगा है वो किस कब डिज़ाइन हुआ था सबसे पहले, तो मैं आपको बता दूं कि एक स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, ठीक है, अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना जो स्वदेशी मूवमेंट था वो कहाँ हुआ था और कब हुआ था, ठीक है, कहाँ हुआ था और कब हुआ था स्वदेशी मूवमेंट, और उसी टाइम में ये डिज़ाइन हुआ था, ठीक है। चलो जी, और ये जो हमारा सारे जहाँ से अच्छा है ना, ये जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है वो भी उसी टाइम उन्होंने ही ये क्रिएट किया था ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है जी के डैश प्रेसिडेंट ओवर द लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1929। तो जो लाहौर सेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज की बात हुई थी, तो उसमें प्रेसिडेंट कौन थे कांग्रेस के, पता ही है आपको, हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। पटीदार्स का क्या मतलब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बात, पटीदार्स का क्या मतलब होता है, देखो पटीदार्स है ना, एक गुजरात में ना जो बड़े बड़े जो रिच पीजेंट होते हैं ना, जो बड़े बड़े फार्मर होते हैं, है ना, किसान होते हैं, उनको बोला जाता था पटीदार्स, ठीक है। ये कौन सा टॉपिक है याद है ना आपको, जो हमने देखा था कि किन किन लोगों ने सपोर्ट किया था सिविल डिसबिडियंस मूवमेंट को, तो रिच फार्मर ने भी सपोर्ट किया था, क्योंकि वो चाहते थे कि लैंड रेवेन्यू डिक्रीज़ कर दिया जाए। ओके, तो पटीदार्स बोला जाता था रिच पीजेंट ऑफ गुजरात, ठीक है, और जो रिच पीजेंट ऑफ यूपी थे उनको जाट्स बोला जाता था। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं कि व्हेन रॉलेट एक्ट पास, रॉलेट एक्ट जो था वो कब पास हुआ था, तो हमारा जो रॉलेट एक्ट है पता ही होगा आपको, 1919 में साइन हुआ था, पास्ड हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, बाबा रामचंद्र कौन थे, सन्यासी थे, प्रेजिडेंट ऑफिस या आर्मी ऑफिसर, पता ही आपको, वो एक सन्यासी थे,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं, 51 की बात करेंगे, बट पहले आ जाते हैं पूर्ण स्वराज पे। याद है ना आपको, पूर्ण स्वराज बीच में हमने छोड़ा था। तो जो पूर्ण स्वराज है वो कब साइन हुआ था, पूना पैक्ट जो था वो कब साइन हुआ था, जो पूना पैक्ट है वो 1932 में साइन हुआ था। बात पता है क्या थी, बात ये थी कि डिस्क्रिमिनेशन इतने बड़े लेवल पर था कि अंबेडकर जी ने अब ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि जी इलेक्शन है ना अलग होने चाहिए दलित्स के, ठीक है, क्योंकि ऐसे फिर उन पर थोड़ा सा डिप्रेशन और पड़ेगा, उनको थोड़ा और दबाया जाएगा, तो इसलिए उनके इलेक्शन अलग करो। फिर गांधी जी ने बोला नहीं जी ऐसा नहीं होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए, तो दोनों ने बात करी, पूना पैक्ट किया। और आज जो रिजर्व होती है ना लोकसभा और राज्यसभा में सीट, तो उसी पूना पैक्ट के अकॉर्डिंग होती है। ओके चलो, इसी पूना पैक्ट की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं कि जो खिलाफत मूवमेंट था वो जो लीड किया था वो अली ब्रदर्स ने किया था, ट्रू और फॉल्स, द आंसर इज ट्रू, अली ब्रदर्स ने किया था, गांधी जी भी थे बट अली ब्रदर्स थे बेसिकली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं, बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू ने औध किसान सभा को क्रिएट किया था, हेड किया था, सही या गलत, द आंसर इज ट्रू, ठीक है। ये है ट्रू फॉल्स में, बट ये है एक मार्क्स का ही क्वेश्चन, या एम सी क्यू की फॉर्म में भी बन सकता है। जैसे मैंने आपको कहा कि ये बताओ कि जी बाबा रामचंद्र ने और जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी सभा क्रिएट करी थी, तो आपको ऑप्शन में आ सकता है औध किसान सभा। तो आप समझ गए ना, मतलब इसको आप एम सी क्यू में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। बेगार का मतलब होता है होमलेस लेबर, क्या ये बात सही है, नहीं, ठीक है। लेबर से जब काम कराया जाता है विदाउट एनी पेमेंट तो उसको बेगार कहा जाता है, तो इसका आंसर है फॉल्स। अलौरी सीताराम राजू जो थे वो मेरिकल कर सकते थे, ये अब ये जो है इसका आंसर फॉल्स है। कोई भी मिरिकल नहीं कर सकता यार, मिरिकल कैसे कर सकता है, ठीक है, पहले होता था, ठीक है, बट अभी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, तो इसलिए मिरिकल नहीं होता, नहीं करते थे वो। बोला जाता था कि वो मिरिकल कर सकते थे, बट आपको थोड़ा दिमाग यूज़ करना है, कॉमन सेंस वाली बात है कि मिरिकल कोई नहीं कर सकता था, लोग ऐसा मानते थे बट कर नहीं सकते थे वो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है कि जो तमिल फोक टेल्स है, फोक लोर्स है साउथ इंडिया के अंदर, उसको पब्लिश किया गया था बाय नतेशा शास्त्री, क्या ये बात सही है, ये बात एकदम सही है, इसका आंसर है ट्रू, ठीक है। अब सॉल्ट लॉ का वायोलेशन जो हुआ था वहीं से सिविल डिसबिडेंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, ये बात सही है, ये बात सही है, ठीक है। तो आपसे आ सकता है कि वायोलेशन ऑफ डैश बाय गांधी जी लेट द सिविल डिसबिडियंस मूवमेंट, तो आ सकता है सॉल्ट टैक्स आपको लिखना है। अच्छा, अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछा सकता है कि जी ये बताओ कि 1942 में कौन सा मूवमेंट हुआ था, तो हमारा जो 1942 में एक मूवमेंट हुआ था जिसका नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट, उसी के तहत इंडिया ने इंडिया के अंदर से अंग्रेजों को बाहर भगाया था। और क्या पूछा जा सकता है इस चैप्टर के अंदर से, वैसे तो सारे ही MCQ मैंने अच्छे से कवर करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एक और याद रखना, आपसे पूछा सकता है कि इंडिया के अंदर ये जो पाकिस्तान क्रिएट किया गया था, इंडिया के अंदर से तोड़ा गया था पाकिस्तान को, तो उसमें सबसे बड़ा रोल किसका था, वो मोहम्मद अली जिन्ना का था, ये बात याद रखना। ओके, और क्या पूछा जा सकता है आपसे इस चैप्टर के अंदर, सारे करवा दिए वैसे तो, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो छुड़वाई है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये कर लो, बस ये कर लो, एक एक चीज़ कर लो, ठीक है। चलो वैसे अगर आप चैप्टर वगैरह समझ के आओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो चैप्टर पहले समझ लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बाकी जो हमारी प्लेलिस्ट है ना, जैसे जीओ की हो गई, सिविक्स की हो गई है ना, और हमारी इको की हो गई, हिस्ट्री की, इन सब की प्लेलिस्ट के MCQ के लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चैप्टर के नोट्स के भी लिंक मिल जाएंगे, मतलब वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। बाकी अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो ना, तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी, तो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना। यार हमारा टारगेट है कि इस साल किसी भी हालत में, इन 3-4 महीनों में ही ट्राई करेंगे कि दिसंबर से पहले पहले हमारे 1,00,000 सब्सक्राइबर हो जाए, ठीक है। और मैं आपके लिए पूरा एफर्ट डालूंगा, ठीक है, पूरा एफर्ट है मेरी तरफ से। बस ये है कि आप भी बस करते रहना, जहाँ भी शेयर हो सके, चाहे वो व्हाट्सएप स्टेटस हो, चाहे ग्रुप हो, बस कर दो शेयर, ठीक है। बाकी जो होगा देखा जाएगा, मैं अपना काम करूँगा, आप अपना, बाकी अगर होंगे तो ठीक है, अगर नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बस आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हमारे अलग अलग चैनल है, जैसे आपको पता है मेन पॉइंट स्टडी, मेन पॉइंट टेक हो गया, मेन पॉइंट गेमिंग हो गई, तो उस पर अलग अलग टाइप की वीडियो है। मेन पॉइंट गेमिंग पे आ जाना कभी खेलने का मन करे तो, ठीक है। बाकी अलग अलग चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वैसे चाहो क्या ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ की सारी चीज़ें मिल जाती है आपको टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ऐप है, डाउनलोड करके सर्च पे लिखना मेन पॉइंट स्टडी 10, तो आप 10th के टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे। और साथ में आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।